तो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। गाइस, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है सनकनूर के ऊपर। तो उससे पहले मैं आपको पूरा सेटअप दिखा दूं कि गर्मी की वजह से हवा चल रही है। ये देखें, पेड़ पौधे खूब हिल रहे हैं। ये देखें, झंडे वगैरह से पता लग रहा है कि हवा चल रही है। तो मैंने पूरा सेटअप जो है ओपन किया हुआ है गाइस, इस तरफ से भी पूरा ओपन है और पीछे की तरफ से, जहाँ से मैं छिक डालता हूँ पीछे, इस तरफ जो है इसके पीछे साइड से, इधर से भी जैसे कि सेटअप पूरा ओपन है। ठीक है गाइस, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है सेटअप के अंदर। और दो गाइस आ गए हम फाइनली सेटअप के अंदर। तो सेटअप के अंदर आने के बाद गाइस आप देख सकते हो सेटअप में पूरी साफ सफाई मैंने कर दी है और ड्यूटी जाने की भी तैयारी हो रही है गाइस। तो फटाफट मैंने सब काम निपटाया और साफ सफाई और इनके जो पानी के पॉट्स वगैरह थे, कटोरियां, बर्तन जो भी हैं इनके, और इधर से इधर तक मैंने सबके जो है निकाले हुए हैं। पानी के बर्तन किसी के भी नहीं है, सारे वॉश करके मैंने बाहर रखे हैं टूटी के पास। और गाइस ये जैसे हमारा हीरो है और ये हीरो का भाई है। ठीक है गाइस, ये हीरो से 1 साल छोटा है, पूरा राइट 1 साल छोटा है, ये हीरो का भाई है और इसका नाम हमने रखा हुआ है चाचा, क्योंकि ये जो हीरो का जो बेटा है उसका एक चाचा लगता है। तो हीरो का बेटा वहाँ पे है और हमने हीरो का बेटा, मतलब हीरो का बेटा और ये एक साथ ही हुए थे, क्योंकि ये जो है इसीलिए हमने इसका नाम चाचा रख दिया। मेरी बेटी ने जब ये हैंड फीड पे थे तो तभी मेरी बेटी ने नाम रख दिया कि ये हीरो के बेटे का चाचा है। और अब ये जो है बिल्कुल मतलब रेडी टू ब्रीड हो गया और हीरो का बेटा भी अडल्ट हो गया है। अब उसके लिए भी हमें फीमेल चाहिए। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ। जो हीरो यानी कि जो हीरो के मम्मी पापा हैं उन्होंने सेकंड टाइम मेरे पास ब्रीड कर दी है, यानी इस सीजन में सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम उन्होंने, सॉरी, थर्ड टाइम ब्रीड कर दी है इस सीजन की। पहले इसमें 3 बच्चे निकाले थे, दोबारा में एक बेबी निकाला है और तीसरी बार में उन्होंने अब फिर एग ले कर दिए हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, डेट वगैरह पड़ी हुई है गाइस। पहला एग 19/7 को आ चुका है, दूसरा एग अभी आया नहीं है, आज शाम को या कल सुबह तक आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अभी पैर अंदर जा चुका है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो कभी भी बॉक्स को खोलें तो बॉक्स को खोलने से पहले थोड़ा सा खटखटा दें ताकि पैर अंदर जो है सावधान हो जाए। कर दिया है फीमेल ने और फीमेल लोडेड है, दूसरा एग कभी भी आ सकता है, आज शाम को या कल सुबह तक आ जाएगा गाइस। तो आप देख ही सकते हैं अब सीजन में गाइस, गर्मी में भी मेरे पास इन्होंने 3 क्लच दे चुका है ये पैर। और मतलब मैं डाइट में या मल्टीविटामिन कैल्शियम वगैरह में कोई मतलब कमी नहीं रखता हूँ बर्ड के लिए, और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँ बर्ड्स को, ताकि जो है बर्ड्स अच्छी ब्रीड करें और बर्ड्स की हेल्थ पे कोई फ़र्क ना पड़ेगा इस। तो जैसा कि आपको, आप खुद ही देख सकते हैं बर्ड को, बर्ड में कोई भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आपको दिखाना चाहता हूं मैं। और आप देखिए कि अगर कोई कमी अगर लगे तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि अगर देखिए सब जो जो भी आदमी करता है ना वो अच्छा ही करता है, लेकिन जज करने वाले जो होते हैं वो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे भाई होते हैं। अगर आपको कोई कमी लगे तो गाइस प्लीज़ बताइएगा आप। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मेरे पास इसका क्लच आ चुका है तीसरा, ठीक है, इस सीज़न का। और गाइस उम्मीद है ये सीज़न में, मैं इस सीज़न मैंने इनका ना बॉक्स वगैरह उतारे नहीं है, नहीं तो मैं क्या करता था, फरवरी मार्च जैसे ही आता था मैं बॉक्स हटा देता था और मैं ब्रीड नहीं लेता था। लेकिन इस सीज़न मैंने क्या करा, फॉगिंग सिस्टम वगैरह लगाया था और फॉगिंग सिस्टम से थोड़ा सा नुकसान तो होता है, जैसे कि केज आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जंग लग गया है केज पे ना, और यहाँ पे थोड़ी टेप लगी हुई थी तो आप देख सकते हैं केज बिल्कुल साफ़ सुथरा था, ये मैंने टेप हटाई थी यहाँ से। तो फॉगिंग सिस्टम का बस ये फ़ायदा हुआ कि ब्रीडिंग अच्छी आई मेरे पास और गर्मियों में भी बर्ड ने ब्रीड किया और ब्रीडिंग में बस दिल खुश हो गया है, आप लोगों की दुआओं का असर हुआ है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये जो चाचा है ये बातें करता है और ये देखें इसके सारे, ये देखो ये देखो, ये समझ रहा है कि मतलब इसको लग रहा है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप देख सकते हो जो हैंड टेम्ड बर्ड होते हैं गाइस वो भी अच्छी ब्रीड करते हैं। लोग कहते हैं कि हैंड टेम्ड बर्ड ब्रीड नहीं करता, खूब अच्छी ब्रीड करता है, ये हीरो हमारा हैंड टेम्ड है और मैंने इसकी भी ब्रीड ली हुई है, आपके सामने ही है।
और इसका जो बेटा है, हीरो का जो बेटा है, उसका भी नाम मेरी गुड़िया ने मुर्गा रखा हुआ है, क्योंकि उसकी एक टांग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मुड़ी हुई थी, तो वो थोड़ा जब चलता था तो थोड़ी उसकी गर्दन जो है ना आगे पीछे होती थी, तो जैसे मुर्गा चलता है ना इस तरीके से चलता था वो जब छोटा था, तो इसलिए जो है मेरी बेटी ने उसका नाम मुर्गा रख दिया है। और उससे भी चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ इस वीडियो में, अभी देखें वो आ जाएगा। मुर्गा आ जा बेटा, मुर्गा आ जा, आ जाओ आ जाओ, मुर्गा मुर्गा जल्दी आओ। तो गाइस देखें ये है वो मुर्गा जिसका नाम मुर्गा रखा हुआ है मेरी बेटी ने, तो ये बहुत समझदार है। और ये देखें पूरी बातें करता है ये सारी, मतलब कुछ कुछ वर्ड बोलता भी है, टॉकिंग है ये। तो ये देखें आप कलर वगैरह, रेड फैक्टर वगैरह, ये देखें ये देखें ये आ गया। और ये सारी देखें गाइस इसकी ना थोड़ी टांग टेढ़ी है, जिसमें रिंग डली हुई है ना टांग में इसकी, वो टांग इसकी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसलिए मैंने इसको किसी को दिया नहीं था। कि देखो किसी को देने से क्या होता है ना कि बंदा सोचता है यार मेरे को लंगड़ा बर्ड दे दिया, तो मैं कभी किसी को देता नहीं हूँ, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं मैं खुद रख लेता हूँ। तो ये देखें फुल्ली टेम्ड है, ये आ जाता है लेकिन मेरे हाथ वगैरह पर नहीं आता है, ये आएगा तो ये सीधा कंधे पर बैठेगा और ये मुझे पकड़ने नहीं देता अपने आप को। और इसमें से एक है, मैं पकड़ के दिखाता हूँ, इसमें से एक देखो देखो उड़ गया ना मुर्गा, देखो मुर्गा उड़ गया गाइस। तो मैं इसमें से देखो ये वाला पकड़ के दिखाता हूँ आपको, ये वाला बर्ड पकड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें जिस तरीके से मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये थोड़ा सा डरता है बस, मतलब अब मैंने इसको कई दिन से पकड़ा नहीं है ना, तो इसको ना डर लगता है। और ये वाला जो है ये तो मुझे पकड़ने ही नहीं देता। और मुर्गा तो मेरी बेटी जिस तरीके से मैंने इसको पकड़ा है ना, इस तरीके से मेरी बेटी मुर्गे को पकड़ लेती है। और मुर्गा बहुत अच्छा टॉकिंग है, टेम्ड भी है, बस ये बोल वाली बात है कि जिससे बर्ड फ्रेंडली होता है उसी से होता है, सबसे नहीं होता गाइस, ठीक है ना। तो अब जैसे ये वाला है इसको मैं पकड़ लेता हूँ, हैंड फीड पे नहीं थे, सॉरी हैंड फीड पे थे बच्चे, तो तब से थोड़ी आदत है। और इस वाले को मैं पकड़ नहीं पाता, क्योंकि एक्चुअली क्या था, जब बच्चे छुट्टियों में गए हुए थे ना, नाना अपने मामा के यहाँ गए हुए थे छुट्टियों में, बर्ड तो फिर अकेले रह गए। तो गाइस अब मैं ड्यूटी देखूँ या अपने बर्ड को देखूँ, तो गाइस मैं बस हाथ में इनको ले नहीं सकता था, पकड़ नहीं सकता था, इस वजह से थोड़े वाइल्ड टाइप के हो गए हैं, वरना तो ये सारे हैंड टेम्ड थे गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, प्लीज़ गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में